दोस्तों, किसी शायर ने कहा है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आपको लिए चलते हैं झारखंड। झारखंड के रांची में आज यहां के सीएम चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन की पॉलिटिकल सलाहकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ मांझी ने पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष के नेताओं को खामखा परेशान कर रही है। अगर जो भाजपा में शामिल हो जाते हैं उन्हें बख्श दिया जाता है, जबकि विपक्ष में बैठे नेताओं को ईडी का डर दिखाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। इस तरह की बातें महुआ मांझी ने कही। और क्या कुछ कहा महुआ मांझी ने, आइए हम आपको दिखाते हैं। ईडी ने मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद मिंटू को समन किया है और बोला कि जोनल कार्यालय में बुलाया है, तो कैसे देखते हैं? देखिए, जब जब चुनाव नजदीक आता जाता है तब तक जो विपक्ष के लोग हैं, मतलब भाजपा से अलग हटके जिन पार्टी के लोकप्रिय नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं और बड़े मंत्री हैं, उनके पास ईडी का जाना कोई नई बात नहीं है। आप लगातार देख रहे होंगे कि न सिर्फ झारखंड में बल्कि दूसरे राज्यों में भी इस तरह से हो रहा है। और जो भाजपा में चले जा रहे हैं फिर उनके यहां ईडी बहुत कम ही जाती है, नहीं के बराबर है। कई नाम है हमारे सामने, अजीत पवार जी के बारे में कहा गया था कि भ्रष्टाचारी है, यह है, वो है। चार दिन के बाद उनको ज्वाइन करा लिया जाता है पार्टी भाजपा में। मंत्रालय भी लोगों को दिए जा रहे हैं, छगन भुजबल जी हैं, हिमंता विश्वा शर्मा जी, ऐसे कई नाम हैं। तो ये देखकर कभी कभी लगता है कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं क्या वो तटस्थ हैं, क्या वो निष्पक्ष हैं, ये सवाल जेहन में लोगों के उठ रहे हैं।